और एहि बेर नया चेहरा हमरा सब चाहि रहल छी। नया चेहरामे अखन विकास महासेठ जी अयला है, तो हम चाहै छी जे नया आदमी के मौका देल जाए। पुराना आदमी के हुकुमदेव नारायण जी के लड़का अशोक यादव जी के मौका देलियनि, किछु नहि केला। कि ई अहाँ सबके एगो मुद्दा अछि कि नहि? जे हाँ, ई मुद्दा छै। जते चीज कहलियनि ओ चीज के हम लऽ के हम चाहै छी कि एहि बेर हम इनका सबके वोट नहि दऽ के विकास जी के वोट दू। एक नया तरह से एक चेहरा आयल अछि, तो ओकरा हम चाहै छी वोट दू। नए चेहरे के लोग तलाश में है, नया चेहरा में विकास कुमार जी का एक नाम आ रहा है, जो हम लोग उसे एक बार मिले हैं तो लगता है कि वो काम कर सकते हैं उनका। मधुबनी लोकसभा चुनाव के लेकर अखन हमारे उपस्थिति मधुबनी विधानसभा में और हमारा संग जनता सब से हमारे बात है, और बात है जो अखन निवर्तमान सांसद के कार्यकाल जो 5 साल बीतल है, वैसे इनका सबके कतेक क्षेत्र में विकास भले है। संगी अबेर जो नेता सब नॉमिनेशन करवेल है विभिन्न दल से और निर्दलीय, तो अमे ये सब नया परिवर्तन चाहे या जे इनका सबके मूनक बात है सब जानब। भाई सब की नाम छे अपने? नमस्कार सब गोटन के, हमार नाम भेल डॉक्टर वी के रमन, मिथिला डायग्नोस्टिक प्रतिष्ठान है किशोरी लाल चौक पर। अबेर लोकसभा चुनाव के लक की सोच रहा है संगी जे निवर्तमान सांसद है हर केना की कार्य भले की समस्या कत समस्या अपन संसदीय क्षेत्र में निदान के? पिछला चुनाव में हम सब बहुत उम्मीद से अशोक यादव जी के वोट देने छलियनि, लेकिन रिजल्ट इएह छै मधुबनी के जे 0/0 कोई विकास हमरा सबके नजर नहि आबि रहल छै। एहि बेर के जे वर्तमान परिस्थिति रहै जे हम सोचने रही जे एहि बेर हम वोट नहि देबै, लेकिन कारण कि मानि लिअ जकरा 5 साल पहिले वोट देली ओ किछु केला नहि। लोकके तऽ विकास चाही, भारत देश के विकास भऽ रहल छै, हमरा सब मधुबनी में छी, हमरा सबके मधुबनी के विकास चाही, संसदीय क्षेत्र के विकास चाही। मधुबनी में कुछ देखे के चाही, लेकिन कुछ दिखाई नहि पड़ि रहल हमरा सबके विकास। मोदी जी देश में जे करै छै से करै छै, लेकिन हमरा सबके तऽ मधुबनी में छी, मधुबनी के चाही विकास, और कुछ विकास नहि देखाइ पड़लै। चुनाव के टाइम में अशोक यादव जी अबै छै, ताहिके बाद फिर निश्चिंत भऽ जाइ छथि, अपना अपना व्यवसाय में लग जाइ छथि। पुश्तैनी तौर पर हुनकर पिताजी हुकुमदेव नारायण यादव जी छलाह है, तऽ हुनका लऽ कऽ ओ आबि रहल छथि, व्यक्तिगत हुनकर कोनो पहचान नहि छथि, तऽ हमरा सब हुनका एहिबेर अवॉइड कऽ रहल छी। और एहिबेर नया चेहरा हमरा सब चाहि रहल छी, नया चेहरा में अखन विकास महासेठ जी अयला है, तो हम चाहै छी जे नया आदमी के मौका देल जाए। पुराना आदमी के हुकुमदेव नारायण जी के लड़का अशोक यादव जी के मौका देलियनि, किछु नहि केला, और किछु केने रहता तऽ हमरा लग बजे के लेल मुँह नहि रहतनि, तो हमरा सब चाहै छी कुछ नया चेहरा। तमाम जे गठबंधन महागठबंधन BSP संघी कतेको निर्दलीय में समय मुआयना अहाँ केलहुँ हँ, तऽ एगो विकास कुमार अहाँके? विकास कुमार चूँकि नया चेहरा छथि, युवा उम्मीदवार छथि, और अभी युवा वर्ग जे छै से किछु भी कऽ सकै छै। युवा वर्ग के केना की नीक लागल है? उद्देश्य ई नीक लागल जे ओ जमीन पर का काज करे के लेल प्रयासरत छथि, मधुबनी में छी, हमरा सब जे विधानसभा क्षेत्र में छी, एहि क्षेत्र के लेल ओ कार्य करे के लेल प्रयत्नशील छथि, और नया चेहरा छथि, नया उम्मीदवार छथि, एक बेर जे छै मौका देला चाहै छथि। पुरान और जे पार्टी सब छथि, काफी पुरान पार्टी छथि, तो ओ सब जे छै हुनका सबके देख लेने छियै की केला है, की करै छै, सबके देख लेने छियै। तऽ चूँकि नेता पर से हमरा सबके आब विश्वास उठ गेल, तऽ कंडीशन में नया चेहरा एलै तऽ चाहै छी कि एक बेर इनका मौका देल जाए। चलु, नया चेहरा के मौका देल जाए, जे पुराना जे पार्टी छथि हुनका कतेको बेर मौका देल गेलै। आ भाई साहब अहाँ केना की देख रहल छियै लोकसभा के? लोकसभा में अभी तक तऽ BJP के हमसब पिछला बेर मौका देलियै, लेकिन ओहि पर खड़ा नहि उतरलखिन अशोक बाबू। इवन कि हमरा बुझाए मधुबनी बहुत सारे लोग के पास दर्शनो उनका मुश्किल छै, अखनो लोग दर्शन नहि कऽ पेलखिन 5 साल में, तऽ कि दर्शन देलखिन आगो पता नहि। अब पता नहीं मार्केट में डर से नहीं आबै छथिन कि लोग उनका की कहथिन, गाड़ी बात देथिन, ये लऽ कऽ संपर्क जी बिल्कुल नहीं कर रहल छथि। उनका लगै छै कि मोदी है तो मोदी जी है तो हमको वोट मिलेगा ही, शायद इनके मन का जो भ्रम हो शायद, लेकिन हमको नहीं लगता है मधुबनी में किसी भी तरह का विकास का नाम पर कुछ भी हुआ है। एक विकास के नाम पर हम लोग सच में हुआ भी है, एक स्ट्रीट लाइट लगने का कुछ काम सिर्फ मधुबनी में देखने को मिला, वो हमको लगता है अशोक जी के माध्यम से हुआ है, और हमको नहीं लगता है मधुबनी में कोई भी विकास का काम हुआ है। तो लोगों को बदलाव की जरूरत है, अच्छे कैंडिडेट की जरूरत है, और अच्छे कैंडिडेट मधुबनी में दिख ही नहीं रहा है। लोग सोच में पड़े कि किसको वोटिंग करें किसको नहीं करें, अभी असमंजस में है। लोग नए चेहरे के लोग तलाश में है, नया चेहरा में विकास कुमार जी का एक नाम आ रहा है, जो हम लोग उनसे एक बार मिले हैं तो लगता है कि वो काम कर सकते हैं, उनका एजुकेटेड आदमी है, शिक्षित आदमी है, साफ छवि के आदमी है। और इधर फातमी जी के बारे में कहा जाए तो वो भी मधुबनी में दर्शन नहीं दिए, बहुत सारे लोग फातमी जी को जानते भी नहीं होंगे, पहचानते भी नहीं होंगे, तो पहले तो वो लोग मार्केट में उतरे, मार्केट में आए, अपना चेहरा दिखाएं कि वो कौन से कैंडिडेट हैं, तभी लोग उनको वोटिंग करेंगे। जो फील्ड में घूम रहे हैं, जो मैदान में आएंगे लोग, उन्हीं को वोटिंग करेंगे लोग। विकास कुमार के लेकर सोच रहे हैं? विकास कुमार के लेकर हम लोग सोच रहे हैं, अभी पूरा डिसाइड नहीं हुआ है, अच्छे प्रतिनिधि के तलाश में हम लोग हैं, देखिए क्या हो सकता है। अगर नहीं कुछ मिलेगा तो नोटा तो है, किसी को वोट नहीं करेंगे। नाम हमारे ईशनाथ झा भेले,
और मधुबनी लोकसभा चुनाव लगा की सोच रहल छिए, केना पिछला सांसद जी के कार्यकाल से खुश छिए? देखो सांसद जी के तहत चिंतो नहीं छिए के छत नहीं छत, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा एकटा मेन मुद्दा छै, ताहि पर वोट करबे हम सब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दा के लग। की भैया की नाम? मेरा नाम रजाउल्ला है और हम चाहते हैं कि हमारा देश है ना रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पे चले, लेकिन मोदी जी तो स्वास्थ्य के बारे में अच्छा सोचे हैं। बहुत सारे लोग तो देखिए कि कर्जा में दो तरह के लोग होते हैं जो कर्जा में डूब जाते हैं, एक तो बेटी के ब्याह करने में और वो इलाज कराने में, तो इस चीज़ से राहत मिला है लोगों को इलाज कराने में कि आयुष्मान भारत से सबको फ़ायदा हुआ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको हुआ है, लेकिन बेरोजगारी का चरम सीमा बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखिए महागठबंधन का सरकार था तो बिहार में शिक्षा की बहाली चल रही धराधर, आज जैसे ही आप NDA में आ गए हैं इसके बाद आपका पेपरे लीक हो गया। अपन आप देखिए संसदीय क्षेत्र के लोग की सोच है? देखिए संसदीय क्षेत्र की बात तो अलग है, संसद में जो लोग बन किया जाते हैं इसके बाद वो दिल्ली में जाके बैठ जाते हैं, यहाँ तो आते नहीं, चाहे महागठबंधन का हो या NDA का हो। क्षेत्र में की काज मिले, विधानसभा में की काज मिले? हमारा हिसाब से 5 साल से देख रहा है अशोक यादव जी छथिन, वो अभी तक कोनो एहन काम नहीं करलक, जना कि अगर हम नगर में देखे शौचालय के लगे तो कोनो व्यवस्था नहीं है, अगर कोनो महिला जाए छे मार्केट में अगर 4-5 घंटा मार्केटिंग करे तो कोई तरह के व्यवस्था नहीं है, कुछ बनलो छे तो इसमें लगे है कोई जाए लायक नहीं, बहुत गंदा छे। ओके साथ साथ नाला के देखे एतेक बुरा स्थिति छे कि जब भी बारिश होय छे तो पूरा मार्केट में एकदम बाढ़ आबि जाय छे, जना लगे ने गाड़ी जेतै ने आदमी जेतै कोई नहि, ओ ई सब बहुत ही खराब व्यवस्था है। साथ में लाइटों के हम अगर देख रहल छी स्ट्रीट लाइट के तो पता नहीं किनका द्वारा बनल गेल छल, ओकर व्यवस्था पूरा मार्केट में कहीं पर नहीं, रात के पूरा अंधेरा रहै छै, तो इस सब के लगे हमरा अशोक यादव जी का अगर हम देख रहा छी तक कोनो एहन तरह के काम नहीं कर, काम योगदान नहीं छै कि ई हास के एगो मुद्दा अछि कि नहि जे हां ई मुद्दा छै, जते कहलियन ओ चीज के हम लगे हम चाहै छी कि ए बेर हम इनका सबके वोट नहीं दके विकास जी के वोट दू, एक नया तरह से एक चेहरा आयल अछि तो ओकरा हम चाहै छी वोट दू, मतलब नया नाम अहाँ नया नाम BSP से छै, हां बहुजन समाज पार्टी से खड़ा भेल छु, तो फिर हिनका क्या चुन रहल छै? हिनका से मिलली हन, रूबरू भेलियन, प्रत्यक्ष रूप से मिलली हन, तो उनका से बात भेलै तो जे हिसाब से कहि रहल छथिन उनका पर हमरा भरोसा लग रहल अछि, और कुछ समाज में कुछ अभी भी कुछ कुछ काम कर रहल अछि, तो ओ चीज हमरा अच्छा लागल आदमी से मिल, मतलब 5 साल फिर तो भरोसे कोनो सांसद पर करबै, बिल्कुल बिल्कुल जाय के लोग कहां से विकास मासेर पर भरोसा कर रहल छै, बिल्कुल बिल्कुल दो रहल छै हुनका, हुनका हम एबर वोट देबै, हमर परिवार से पूरा सपोर्ट की मैनिफेस्टो लग के उद्देश्य की कहले जे नै हम एना करब ओना करब की नीक लागल हुनका में? हमरा लगे है रोजगार में भी युवा सब के बहुत बड़ा योगदान रहते उनका अगर वो बने छथिन तक, अगर अखन देखल जाए तो रोजगार सबसे बड़का मुद्दा, बहुत रोजगार छै हमरा, अगर बेरोजगारी हम अभी खुद बेरोजगार छी, अभी तक पढ़ाइए कर रहल छी, ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गेलै, हम बहुत सारा एग्जाम देली हँ लेकिन एग्जाम देखै छी तऽ हर बेर हम खुद एक बेर BPSC एग्जाम देली तऽ BPSC 66 के अथी भऽ गेल, ओ क्वेश्चन पेपर लीक भऽ गेल, बहुत अच्छा एग्जाम गेल छै, सच रियल बात अछि, हमर अभी तक अंक भी छै 4 नंबर से सुटल छलै, तो कतौ ने कतौ शिक्षा व्यवस्था भी लचर लचर बहुत बहुत कमी भऽ रहल छै, क्वेश्चन पेपर लीक भऽ रहल छै, ई सब लऽ के वर्तमान सरकार से हम बिल्कुल रुष्ट छी, उनका हम बिल्कुल विपक्ष में छी, अपन संसदीय क्षेत्र के विकास करै लेल विकास, हां बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं चाहै छी केंद्र में कोई बने, लेकिन हम चाहै छी क्षेत्रीय रूप से जे नेता एहन आवे जे जनता से जुड़ के रहे, ओ जनता के समस्या समझे और जनता के काम करे। अहाँ वोट दै छियै भाई? हां वोट दै छियै। क्या बेर से पहिले बेर देबे तो पहिल बेर वोट किनका दऽ रहल? हम तो सोचने छी विकास कुमार जी के देबे। विकास कुमार के? हाँ। पहिल वोट हुनके? हाँ। ओ अहाँ सबसे बात केले थे? हाँ बात केले थे, बहुत अच्छा की हुनकर उद्देश्य नीक लागल? ओकर उद्देश्य नीक लागले कि ओ जे कहलके नवयुवक सबके रोजगार, कोई रोजगार देते, ओ हमरा सबसे पहला बात बहुत अच्छा लागल, जे नवयुवक के रोजगार, हाँ जे नवयुवक के रोजगार जे ओनी पहिरो लिख के भटक रहल है ओकरा सबके रोजगार मिलते, तो विकास कुमार के नीक लागल? हाँ हाँ बहुत अच्छा लागल हमरा। निवर्तमान सांसद के चिन्है छियै अहाँ सब? सांसद के छलै था अखन से जानै छियै? अशोक यादव। देखने छलियै? हाँ देखने छियै, देखने छियै। हाँ तब विकास महासेठ के केना, मतलब विकास कुमार के केना की छाप छै? हम ओकरा साथे कुछ कुछ मीटिंगो में गेलियै, कुछ अच्छा कुछ कुछ कामो केलियै हुनकर, और हमरा बहुत अच्छा लागल ओकर भाषा उषा जे देलखिन, भाषण हुनका नीक लागल। हाँ